आज हम बनाने लगे हैं मुरब्बा। आपको मुरब्बा बनाने का नया तरीके से सिखाएंगे हम लोग, ताकि नए स्टाइल से भी आप लोग जब भी आप चाहें नए स्टाइल से भी आप लोग मुरब्बा बना सकें। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें एक कटोरी जितना पानी लेंगे। हमारे पास 1.5 किलो सेब हैं और 1.5 किलो ही हमें चीनी डालनी। जब ये हमारी चाशनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो फिर हम इसमें अपने सेब डालेंगे। चीनी देखें कि हमारी चीनी सारी मेल्ट हो गई और चाशनी तैयार हो गई। ठीक है, अब हमने इसमें ना पाइन एप्पल की शेप में ना काटा ना एप्पल, ये हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू कर देंगे सारे। और फिर हमसे 5 से 10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे। ये हमारा पाइन एप्पल मुरब्बा, पाइन एप्पल की शेप में एप्पल मुरब्बा तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम इसको डाल के तो चलाते जाएंगे सारा। सारे ही हम फिर 2 मिनट तक 3 मिनट तक हल्की आँच कर देंगे ज़रा सी, और फिर हम इसको निकाल देंगे। अब ये तकरीबन पक चुका है, इसको अब हम लो फ्लेम के ऊपर रखेंगे और फिर इसका चूल्हा बंद कर देंगे 10-15 मिनट तक। ये खुद ही अपना कलर चेंज कर जाएगा और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। देखिए जी, हमारा मुरब्बा बिल्कुल बन के तैयार हो गया। देखिए आप इसकी शक्ल कितनी क्रिस्टल बनी है। हमारा पाइन एप्पल मुरब्बा तैयार हो गया, पाइन एप्पल स्टाइल में बनाया हमने। देखिए अच्छा लग रहा है, लुक अच्छी है इसकी। प्लीज़ आप गाँव में याद रखिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो का अगर आपको पसंद आए तो। इंशाल्लाह और भी चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़।